अल्लाह अल्लाह अकबर। अपने बयान से साबित करके बता सकता हूँ। एक अहम वाक्य सुनाता हूँ और बात फिर मौजू से हटेंगे नहीं, चले मौजू का हिस्सा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी को बुलाया गया, आने में देर की। जब देर से आई तो उन्होंने कहा, हुजूर मैं देर से इसलिए आया कि ये मेरी जो ऊंटनी है ये बहुत लागर है, कमजोर है, ये चली नहीं सकती थी, मैं इसकी वजह से लेट आया हूँ, इसकी वजह से ताखीर से। हुजूर उठे, हुजूर ने उसे ठोकर मारी। अल्लाह अकबर। और करना इस पर, क्योंकि इस पर नतीजा मुरतब करूंगा। हुजूर ने उसको ठोकर मारी, वो खड़ी हुई और सारी ऊंटनियों से आगे चलने लगी। सुभान अल्लाह। ठोकर मारने से सारी ऊंटनियों से आगे चलने लगी। अहले सुन्नत वालों, अपना मकाम समझो। हम उस नबी की उम्मत वाली उम्मत में रहते हैं कि जिसकी ठोकर से ऊंटनी का नक्श दूर होता है। मैं कहता हूँ जिसकी ठोकर में ये कमाल है उसके दस्ते करम का क्या हाल है। सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह कि ये वो दर है जहाँ से ठुकराया नहीं जाता। ठुकराने का मतलब कभी आपने गौर किया, ठुकराना ठोकर मारने को कहते हैं कि जहाँ से ठोकरे मिले, कहा जाता है यहाँ से ठुकराए जाओगे। अरे कुर्बान जाओ उनकी ठोकर पर। अरे अगर वो ठोकर भी मारे तो नक्श दूर होते हैं। उनके कदमों का ये हाल है तो उनके जमाले जहाँ आरा का क्या हाल होगा, उनके दस्ते करम का क्या आलम होगा। इसलिए हम कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाला कपड़ा भी बेफैज नहीं होता। सुभान अल्लाह। कपड़ा अगर बेफैज नहीं है और हुजूर के साथ निस्बत रखने वाले नालायक भी बेफैज नहीं होते हैं। और मुझे बताओ जिनके हाथों में उनके हाथ आ जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा को मर्तबा ये ऐसे नहीं मिल रहा थी, अल्लाह अनहुम व रदु अन, ये ऐसे नहीं फरमाया। ये रजा के जितने ऐलान है उनके दस्ते करम का सिलसिला। सुभान अल्लाह उनके दस्ते करम का सिलसिला। अल्लाह फरमाता है वरफाना अल्लाह का जिक्र, वरफाना अल्लाह, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। वरफाना से शुरू हुई थी कि हमने बुलंद किया तो हम में जलालत थे, हम में हुकूमत है। सुभान अल्लाह। हम में तमकुनत है, हम में खुदा का जलाल नजर आ रहा है, हम में खुदा का ऐलान बबांगे दोहल नजर आ रहा है। मोहम्मद के लिए कोई गलत बात ना सोचना, इसको नीचा करने की कोशिश ना करना, क्योंकि तुम खुद नीचे हो जाओगे। इसे हमने बुलंद किया है, आगे ही जा रहा है। सुभान अल्लाह। महबूब तेरी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर। सुभान अल्लाह। पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। और सुभान अल्लाह पिछली घड़ी से बेहतर क्यों ना हो, हुजूर जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो 1 लाख और कुछ सहाबा कराम जो है वो कमो के इसमें इख्तलाफ है उलमा का, उलमाए तारीख और उलमाए हदीस का, वो कितने थे, लेकिन 1,12,000 जरूर थे। ये सहाबा हुजूर ने छोड़े, लेकिन 1,00,000 से 1 करोड़ हुए, 1 करोड़ से फिर 1 अरब हुए, अरबों से खरबों, न जाने खरबों से भी आगे निकल गए हुजूर की जात से लेकर आज तक। मुझे बताओ कितने लोग हैं जो शर्क से गर्ब में फैले और हुजूर का नाम सुबह भी ले रहे हैं, और कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लका जिक्र, ए महबूब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद किया, हमारे लिए। अब थोड़ा सा इसको इल्मी रंग में देखते हैं। सलाम अलैका या